ट्रेडर्स, वेलकम टू द बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स। ये अपना दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में अपन ने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर क्या साइकोलॉजी है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है और वो मार्केट में अपन कैसे यूज कर सकते हैं, उसके पीछे के पूरी साइकोलॉजी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले चार्ट पैटर्न के ऊपर। चार्ट पैटर्न बहुत अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न है। इसकी साइकोलॉजी जानने के लिए कैसे चार्ट पैटर्न रेडी होता है पहले वो थोड़ा समझ लीजिए। चार्ट पैटर्न कुछ भी, कौन सा भी चार्ट पैटर्न बनने के लिए ये चार थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये चार कंडीशन मेट होते हैं तो एक चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है। तो चार्ट पैटर्न फॉर्म होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए? ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड फाइनल कंसोलिडेशन। ये चार थिंग इंपॉर्टेंट है कोई भी पैटर्न रेडी होने के लिए। पता चला? आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चार्ट पैटर्न कम से कम 150, 100 बहुत है, पर उसमें से चार मेन पैटर्न है। अगर वो पैटर्न आपने दिमाग में बिठा लिया, पूरा चार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला है वी, ये वी पैटर्न, इसको देख लेना। सेकेंड है एन, थर्ड है एम और फोर्थ है डब्लू। ये चार पैटर्न अगर आप सही से समझ लिए तो जितने भी ये चार्ट पैटर्न है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी सब समझ पाओगे। डिटेल में चार पैटर्न समझते कैसे फॉर्म होता है और चार्ट पे कैसे दिखता है, पहले वो समझ लेते हैं। जो फर्स्ट पैटर्न होने वाला है अपना वी, वी पैटर्न कैसे फॉर्म होता है? मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहां से ऊपर गया, तो इसके इंपोर्टेंस लेवल कौन से हो गए? पहले जहां से बड़ा सेलिंग आया था, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, यहां से बड़ा सेलिंग आया था और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके मार्केट रिकवरी कर दिया, ये ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे कैंडल ने एक ब्रेकआउट दे दिया, तो एंट्री करोगे? अगर इस कैंडल पे एंट्री होती है आपकी इस कैंडल पे, तो स्टॉप लॉस अपन को इतना बड़ा लगाना पड़ेगा। वी पैटर्न का समझ में आया? वी शेप रिकवरी बोलते हैं मार्केट में, वी शेप रिकवरी आ गई। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बार बार फेस कर रहा था, तो यहां से बड़ी सेलिंग आ गई, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी सपोर्ट लेके, फिर ऊपर गया और ये फुल पावर से इसको ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे एंट्री कर लिया आपने तो अपन का स्टॉप लॉस इधर लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस स्विच करने के लिए अपन को क्या चाहिए? एक पुल बैक, एक छोटा सा पुल बैक आके ऊपर गया। तो ये अभी तो आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ये वी शेप रिकवरी, एक छोटा सा पुल बैक, ओके। अभी ये वी के साथ आपको एन पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये V के साथ N पैटर्न भी दिख रहा होगा, चार्ट में समझ लेता हूं, चार्ट में ओके। देखो चार्ट में बात करते हैं, यहां पे एक सेकंड, यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, ओके। यहां पे दिख रहा है V शेप रिकवरी, लाइन मार्क कर दिया, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखो वी शेप, उसका हाई मार्क कर लेना हमेशा, जहां से बड़ा सेलिंग आता है उसका हाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, सेलर बैठे होंगे, वहां से पूरा मार्केट को पूरा गिरा दिया, वी शेप नीचे आ गया, बॉटम पे यहाँ पे बाइंग हो गई, नीचे आ गया, ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, एंट्री अगर यहाँ पे करते तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता था। वेट करो एक पुल बैक का, जैसे एक पुल बैक आया मार्केट ऊपर, तो अपन को अभी दिख रहा है क्या वी के साथ एन, वी के साथ एन दिख रहा है क्या? पुल बैक आ गया, मार्केट ऊपर गया, वी के साथ अभी एन भी दिखने लगा,
ये तो वी आ गया, वी के साथ जैसे ब्रेकआउट या रिटेस्ट ऊपर, तो वी के साथ एन भी दिखने लगा। और एक बार दिखा था देखो, यहाँ पे फॉल आया, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट किया फिर ऊपर। एक पैटर्न ही बना देता हूँ, एक बता देता हूँ, ये क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो अप ट्रेंड का, कैसे बन रहा है, वी और एन पैटर्न से, ये वी पैटर्न से और एन पैटर्न से हायर लो बन रहा है ना अपना, तो प्राइस एक्शन क्या हो रही है, यही तो प्राइस एक्शन हो रही है ना यहाँ पे, वी शेप रिकवरी, रिटेस्ट ऊपर, फिर वी शेप रिकवरी, रिटेस्ट ऊपर, हायर लो हायर लो हायर लो। तो आप उनको वी और एन का साइकोलॉजी पता चला कैसे बनता है। सेकेंड कौन सा है, एम पैटर्न, सेकेंड कौन सा है अपना, एम पैटर्न। वी और एन का तो साइकोलॉजी समझ में आया कैसा बन रहा है, अभी क्या है, एम पैटर्न। एम पैटर्न कब बनता है, मार्केट में एम पैटर्न, यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट आया ऊपर, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपको क्या दिखा, डबल टॉप दिख रहा है, ये डबल टॉप बन गया, ये एक फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, यहां से ब्रेक कर देगा, हो गया। अभी एम पैटर्न की साइकोलॉजी समझ में आई, जितना भी चार्ट पैटर्न देखोगे ना उसमें आपको वी एन एम डब्ल्यू यही चार वर्ड दिखेंगे, और यही चार वर्ड अपन पूरा जो भी पैटर्न बनेगा ना उस पैटर्न में यही चार वर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। एम पैटर्न ऐसे नहीं, ऐसे भी बन सकता है, दिख रहा है, एम एग्जाम्पल पे यहां पे दिखा देता हूं, अभी चार्ट पे एम दिख रहा है क्या, ये अपने मार्केट का फोटो लिया हुआ है, एम दिख रहा है क्या, मैं बता दो कहां पे, रुको, दिख रहा है मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, इस लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट नीचे, एम पैटर्न दिखा। यही पैटर्न अपन को मार्केट में सर्च करना है। ये कहां बना, रेजिस्टेंस दिख रहा है, येलो लाइन है, ये येलो लाइन दिख रही है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ऊपर आया रेजिस्टेंस फेस किया, एम पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दे दिया, फिर नीचे गया। तो एम पैटर्न की साइकोलॉजी देखिए समझ में आई, एम पैटर्न जरूरी नहीं है, एम पैटर्न जरूरी नहीं ऐसे ही बने, ऐसे बन सकता है। ये क्या हुआ, आगे देखते हैं, डब्लू, अभी कौन सा है अपना, डब्लू, इसमें क्या दिख रहा है, डबल बॉटम, ऊपर से आई सेलिंग दिख रहा है, डब्लू यहां पे एक बार सपोर्ट लिया, यहां पे एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर, डब्लू पैटर्न दिखने लगा, चार्ट में एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पे दिख रहा है कि डब्लू पैटर्न मेरे को दिख रहा है, यहां से मार्केट आया, फॉल हुआ, ऊपर नीचे, इस लाइन का ब्रेक ब्रेक अपना ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ऊपर, दिख रहा है डब्लू। तो यही चार अल्फाबेट है हर ट्रेड में, जहां पे भी लाइव मार्केट में चैट चार्ट बन रहा है, यही चार पैटर्न मेन दिखने वाले, क्योंकि अभी जो भी चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा उसमें आपको ये डब्लू एन एन वी ये चार चार अल्फाबेट ही देखने वाले। अभी ले जाता हूं आपको चार्ट पैटर्न का, हर एक चार्ट पैटर्न का नाम और उसके पीछे की साइकोलॉजी, और उसमें अपन सर्च करेंगे ये डब्लू एन एम बन रहा है क्या नहीं। चलो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जो बेल आइकन है उसको दबा देना, क्योंकि सीरीज
पूरी प्राइजेशन की सीरीज मैं आपके लिए फ्री लेके आ रहा हूँ। तो चलो चैट पैटर्न क्या क्या चैट पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपन क्या देखने वाले, डबल टॉप। ओके, डबल टॉप के ऊपर बात करेंगे। इसमें क्या कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको? मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, कौन सा पैटर्न दिखा आपको? एक सेकेंड, कौन सा पैटर्न दिखा आपको? एम एम दिखा। यहां पे भी देखो, मार्केट गया ऊपर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। डबल टॉप का जो भी टॉप है वो सेम रहेगा, ये रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर ही सेम रहेगा डबल टॉप का। पर अपन को वो डबल टॉप नहीं ढूंढना है, अपन को कौन सा पैटर्न ढूंढना है? एम, क्योंकि एम ऐसा भी हो सकता है, एम पैटर्न ढूंढना है अपन को। यहाँ पे डबल टॉप पे एम दिखा, आगे देखते ये क्या है, डबल बॉटम। ये डबल डबल टॉप बनता है कभी भी, टॉप बनता है मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, मार्केट नीचे ट्रेंड चेंज हो गया, ये कौन सा है? डबल बॉटम। यहां पे कौन सा पैटर्न दिखा आपको? क्या दिखा ये? डब्लू, डब्लू दिखा, मार्केट ऊपर से आया नीचे सपोर्ट लिया ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया ब्रेकआउट दिखा डब्लू। चार्ट पे देखते हैं, मार्केट ऊपर से फॉलो हो रहा था, यहां पे पहला सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया रिटेस्ट करके फिर ऊपर। तो यहां पे कौन सा पैटर्न आपको दिखा? डबल बॉटम तो आपको दिख रहा है, पर मैंने क्या पढ़ाया था आपको? डब्लू। चार अल्फाबेट याद रखना है दिमाग में, बाकी के पैटर्न ऑटोमेटिक वहां पे बन जाएंगे, अपने ऑटोमेटिक पूरे पैटर्न बन जाएंगे। पहले अपन को क्या दिखा यहाँ पे? एम दिखा। ओके, ए एम दिखा। सेकेंड पे क्या दिखा? डब्लू पे। थर्ड पैटर्न कौन सा है? ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में क्या हो रहा है? एक रेजिस्टेंस है ऊपर और ये सपोर्ट है, मार्केट नीचे से ऊपर आया, नीचे से ऊपर आया रेजिस्टेंस फेस किया फिर नीचे आया फिर रेजिस्टेंस फेस किया फिर नीचे आया फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, तीन जगह। पर यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? मेरे को तो एम ही दिख रहा है, ये दिख रहा है एम पैटर्न। यहाँ पे भी बताता हूँ, ये ट्रिपल टॉप तो बता दिया, यहाँ पे एम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, ये मिला एम पैटर्न, ब्रेकडाउन मार्केट नीचे, ये उसका सपोर्ट लेवल हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट भी करना है, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे। तो इसमें भी मेरे को एम पैटर्न दिख रहा है, ट्रिपल टॉप में भी एम पैटर्न दिख रहा है। आगे देखते हैं, ट्रिपल बॉटम उल्टा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तीन बार लिया यहाँ पे सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट लिया, यहां से ब्रेकआउट दे दिया रिटेस्ट करके फिर ऊपर। यहां पे कौन सा पैटर्न दिखा? पता चला होगा ना, डब्लू दिख रहा है, डब्लू। यहां पे डब्लू ढूंढने की कोशिश करते, मार्केट आया रिटेस्ट किया ऊपर गया, यहां पे रिटेस्ट किया ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ऊपर। तीसरा थर्ड टॉप छोड़ दो, ये आपको यहाँ पे तीसरा दिख रहा है, ये तीसरा, ये एक दो तीन चार ऐसा हो रहा है, पर डब्लू अपन ने फाइंड करना है। अल्फाबेट क्या है अपने? चार अल्फाबेट है, इसमें डब्लू दिखा अपन को, यहाँ पे डब्लू दिखा। आगे देखते, बहुत जन का फेवरेट हेड एंड शोल्डर, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये कौन सा? हेड एंड शोल्डर, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है। ओके, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, ये उसका फर्स्ट शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर उसका, ये राइट शोल्डर और ये हेड। तो हेड एंड शोल्डर ऐसा ही पैटर्न बनता है अपना। पर इसमें आपको क्या दिख रहा है? मेरे को इसमें एम पैटर्न दिख रहा है। कैसे? क्या बोला था, एम पैटर्न ऐसे भी हो सकता है, दिख रहा है ये एम पैटर्न, ये दिख रहा है एम पैटर्न।
एम पैटर्न दिख रहा है ये, यहाँ पे चार्ट पे बता देता हूँ। पहले बात करते हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। ऊपर आया ये शोल्डर बना दिया, ऊपर गया ये हेड बना दिया, यहाँ पे शोल्डर ब्रेकआउट देके नीचे, ये सबके लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आप अपने लिए कौन सा पैटर्न है? एम पैटर्न, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दिख रहे ये एम पैटर्न फॉर्म हुआ अपना, दिखा ना एम पैटर्न, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। मैं क्या बोला था, एम पैटर्न जरूरी नहीं है ऐसा ही बनेगा, एम पैटर्न ऐसे भी बन सकता है। हो गया, ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो गई। आपके लिए हेड एंड शोल्डर है, अपन उसमें क्या ढूंढेंगे, एम पैटर्न। ये क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये हेड एंड शोल्डर नीचे बनेगा बॉटम में, ये कहा बनेगा टॉप पे। ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर हेड एंड शोल्डर बना दिया, मार्केट यहां से नीचे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहा बनेगा बॉटम में, मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे, ये शोल्डर बना दिया उसका, ये हेड और ये शोल्डर, मार्केट रिवर्स होके ऊपर। तो हेड एंड शोल्डर सबके लिए हेड एंड शोल्डर है, अपने लिए कौन सा पैटर्न है, W, दिख रहा है W, यहां पे दिखा देता हूं। हेड एंड शोल्डर का पता चला, ये एक फर्स्ट शोल्डर, ये हेड, ये सेकेंड शोल्डर, सबके लिए ये शोल्डर दिख रहा है, ये शोल्डर, ये शोल्डर। मेरे लिए क्या दिख रहा है, W दिख रहा है, दिख रहा है ये W, ट्रेन भी चेंज हो रहा है। तो हर पैटर्न में अपन N, W ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये अगर आप सही से लाइव मार्केट में चार्ट पे रीड कर पाओ ना, तो ट्रेड करने बहुत आसानी होने वाली है। जो भी आपको चार्ट पैटर्न समझ में, ओके ये क्या चार्ट पैटर्न है, बुक खोलो, ओके ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो चार्ट पैटर्न, कुछ जरूरत नहीं है। चार अल्फाबेट कल अपने दिमाग में बिठा के रख देना। आगे का कौन सा है चार्ट पैटर्न, बुलिश एंड बेरिश रेक्टेंगल। ये रहे अपना, ये पैटर्न हमेशा, मतलब बोलते ना ब्रह्मास्त्र, जो मार्केट का ब्रह्मास्त्र है ये पैटर्न रेड ट्रायंगल। ये मार्केट साइडवेज हो जाता है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट किधर से भी आन दो, ऊपर से आया नीचे से, मार्केट एक जोन में साइडवेज हो जाता है। मार्केट एक जोन में साइडवेज हो गया, जिस तरफ का भी अगर ऊपर का ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट दे दे, ऊपर का ब्रेकआउट दे दे तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे का ब्रेकआउट दे दे तो मार्केट नीचे जाएगा। ये पैटर्न बहुत है, ये पैटर्न अगर चार्ट पे अगर कहां पे भी मिले तो इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा हो, ब्रेकआउट दे रहे तो इधर का स्टॉप लॉस लगा के, ये दिख रहा है ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हो। पर उसमें भी क्या दिख रहा है, डब्ल्यू एन ओ ई दिखेगा, क्योंकि ये पैटर्न में क्या जाता है, मार्केट एक टाइम के लिए कंसोलिडेशन मोड में चले जाता है। तो मार्केट कंसोलिडेशन मोड में कब जाता है, मार्केट को ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, बायर्स भी पुश कर रहे हैं, सेलर भी पुश कर रहे हैं, मार्केट एक जोन में, ना उसको ऊपर जाना है ना नीचे आएगा, एक जोन में फंसा रहेगा, ऐसा इधर 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 एक जोन में ही मार्केट फंसा रहेगा। जिस तरफ का भी ब्रेकआउट दे दे तो ऊपर का ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस नीचे का, ब्रेकडाउन दे दे तो नीचे का ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस ऊपर का। इसलिए मैं ये पैटर्न को बोलता हूं ब्रह्मास्त्र पैटर्न, ये पैटर्न हमेशा दिमाग में याद रखना। आगे देखते हैं, बुलिश एंड बेरिश फ्लैग पैटर्न कैसे फॉर्म होता है वो बता देता हूं। यहां पे देख रहा है बुलिश फ्लैग, ये उसका पोल है, ये इसका पोल, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है पोल, और ये उसका फ्लैग रेड कलर का, ये उसका फ्लैग। यहां पे दिख रहा है कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ऊपर, तो पोल एंड फ्लैग कैसा दिखेगा, मार्केट ऐसा ऊपर आ रहा है, ये पोल और उसका ऐसा फ्लैग पैटर्न आएगा।
तो ये क्या हो गया, पोल और ये फ्लैग, मार्केट ऊपर, ना बेरिश पोल एंड फ्लैग कैसे होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, ये पोल उसका, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा ये पोल, मार्केट यहाँ पे देखा एक फ्लैग बना दिया रेड वाला, यहाँ पे बता देता हूँ एग्जांपल, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऐसे एक फ्लैग बना दिया ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ रहेगा, जो बुलिश फ्लैग रहेगा वो थोड़ा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, दिख रहा है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और जो बेरिश फ्लैग रहेगा ये पोल और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट नीचे, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट नीचे, तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है अपन को पता चला, आगे चेक कर लेते। ओके, फॉलिंग एंड राइजिंग वेजेस, ये क्या है, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, बता देता हूं एग्जांपल, ये फॉलिंग वेजेस, ओके, ये मार्केट ऊपर से आ रहा था नीचे, दिख रहा है यहां पे एक ट्रेंड लाइन बना दी, ये एरिया बहुत बड़ा होगा फॉलिंग वेजेस का, ये एरिया बड़ा होगा और यहां से छोटा होते जाएगा, यहां से ऐसे छोटा छोटा होते जाएगा, तो पैटर्न जो भी कैंडलस्टिक है इसके अंदर ही रहेगा, उसका रेंज भी बड़ा, पहला बड़ा रहेगा, रेंज ऐसा बड़ा रहेगा, रेंज ऑटोमेटिक छोटा 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 होते जाएगा, और एक टाइम आएगा ब्रेकआउट दे देगा रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर, समझा फॉलिंग वेजेस कैसे बनता है। अभी ये कौन सा राइजिंग वेजेस, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके रिवर्स आउट होके नीचे आएगा, इसमें टारगेट बताया नहीं, जितना भी ये बड़ा गैप होगा, जितना भी ये साइड का गैप होगा, ये वाला एक लाइन मार दो स्ट्रेट, वो लाइन को उठा के यहाँ पे रख दो, सॉरी वो लाइन को उठा के यहाँ पे रख दो, तो जितना बड़ा ये लाइन आएगा, जितना बड़ा ये गैप है, उतना बड़ा का टारगेट अपन को लेना है। अभी राइजिंग वेजेस में देखते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, और बाद में सेम एक बड़ा ये यहाँ पे बताता हूँ, सेम आएगा ऐसा, और यहाँ पे छोटा छोटा होते जाएगा, ये छोटा छोटा होते जाएगा, मार्केट आ रहा है नीचे से ऊपर नीचे, इस तरफ ब्रेकडाउन दे दिया क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, रिवर्सल पैटर्न है, ब्रेकडाउन दे दिया रिटेस्ट करके फिर नीचे आएगा, यहाँ पे दिख रहा है टारगेट कितना, सेम जितना ये गैप होगा, वो जितना ये गैप होगा उतना डंडा ले लेना, एक स्टैंडिंग लाइन बना देना, उठा के यहाँ पे लगा देना, जितना गैप आएगा वो उतना टारगेट लेता है। पर इसमें भी ये पैटर्न में भी आपको M और W दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है W आया, W दिख रहा है, ये W हो गया, यहाँ पे भी M दिखेगा, M दिखने की कोशिश करते हैं, ये देखो 1 2 3 4 दिखा एम पैटर्न, इसमें भी एम पैटर्न दिख रहा है, अभी मेरे को देता हूं, दिख रहा है एम पैटर्न, से ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया, ब्रेकडाउन एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट नीचे, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ऊपर, हर इसमें आपको डब्ल्यू और एम यही देखने मिलेगा। Ascending and descending triangle. अभी ascending और descending triangle कैसे form होता है वो बता देता हूँ। पहले बात करते हैं ascending triangle की। Ascending triangle में क्या form होता है? ऊपर एक resistance level होगा। दिख रहा है यहाँ पे एक resistance लिखा हुआ है। एक resistance level होगा। और ये chart pattern market नीचे से छोटा-छोटा होते जाएगा। दिख रहा है? आया ऊपर, नीचे गया। फिर ऊपर गया फिर नीचे, उसका रेंज है जो एक बार बड़ा रेंज था वो रेंज नैरो होता जाएगा, क्योंकि ये ऊपर का रेजिस्टेंस का लाइन स्ट्रेट ही रहेगा,
जो ऊपर का अपुन का ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन है वो स्ट्रेट रह रहा है, खाली ये लाइन है जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड दिखाएगा यहाँ पे, जो ट्रेंड है आपको अप ट्रेंड दिखाएगा। एग्जांपल पे यहाँ बता देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है अपना और ये ट्रेंड दिख रहा है, हायर लो बनाते बनाते ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ अभी हायर लो बना बना के ऊपर जा रहा है, और ये रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दे तो अपना एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। ओके, एसेंडिंग ट्रायंगल पता चला। अभी देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है? ऊपर रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट, एक सपोर्ट लाइन है यहाँ पे, ऊपर से मार्केट नीचे आएगा, लोअर हाई बना बना के, और यहाँ पे लोअर हाई बना के एक छोटी सी जगह बना के यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा। चार्ट पे समझते हैं, ये दिख रहा है, ये सपोर्ट लेवल है उसका, ये सपोर्ट लेवल है उसका, और दिख रहा है यहाँ पे लोअर हाई बनाते बनाते आ रहा है, ट्राइंगल स्क्वीज हो रहा है, यहाँ पे एक लोअर हाई बना दिया, स्विंग बना दिया, यहाँ पे स्विंग बना दिया, यहाँ पे स्विंग बना दिया, यहाँ पे स्विंग बना दिया, दिख रहा है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ब्रेकडाउन मार्केट नीचे, सॉरी यहाँ पे भी आपको डब्ल्यू एम दिख रहा है क्या? मेरे को यहाँ पे भी डब्ल्यू एम दिख रहा है। यहाँ से एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ से मार्केट आया नीचे, एक ग्रीन कैंडल बना के पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे दिया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया अपना। यहाँ पे भी एम पैटर्न दिख रहा है क्या? देखने की कोशिश करो, एक दो तीन चार दिख रहा है, ऊपर नीचे, लोअर है तो बना रहा था, इसमें एम पैटर्न भी दिखा, जैसे उसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया नीचे आ गया, इसमें भी डब्ल्यू दिख रहा है, इसमें भी एम दिख रहा है। हर पैटर्न में आपको डब्ल्यू एम देखने जरूर मिलेगा। आई चार अल्फाबेट दिमाग में हमेशा बिठा के रखो। आगे बात करते हैं कप एंड हैंडल। ये कौन सा पैटर्न है? कप एंड हैंडल। मैं अभी भी बोलता हूं मार्केट में पैटर्न 100-150 बहुत है। आपको अगर नया पैटर्न बनाना है, नया पैटर्न बना दो। ओके चलो, मेरा आज लैपटॉप पैटर्न बन गया ये, ओके मछली पैटर्न बन गया ये आज, पर उसके पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझो। खाली कोई भी पैटर्न बनेगा चार ही अल्फाबेट से बनेगा, एम डब्ल्यू एन वी, ये चार ही अल्फाबेट से पूरा पैटर्न बनने वाला है। अभी बात करते कप एंड हैंडल पैटर्न की। कप एंड हैंडल में कैसा, ये राउंडिंग पैटर्न आएगा, यहां से दिख रहा है ये राउंडिंग, ये कप हो गया, यहाँ पे बता देता हूँ ये कप हो गया ऊपर, ये रेजिस्टेंस है, ये कप हो गया, एक सर्कल बना दिया कप की तरह, फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा, उसका हैंडल बना देगा, यहां से ब्रेकआउट नीचे। ओके, कप एंड हैंडल आपको पैटर्न समझ में आया? इसमें भी एम और डब्ल्यू रहेगा, यहाँ पे मैं बना दिया, यहाँ पे दिख रहा है एम, यहाँ पे भी डब्ल्यू दिख रहा है डब्ल्यू। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी समझो। एम डब्ल्यू एन ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ट्रेडिंग के टाइम पे ये बाकी के चार्ट पैटर्न बुक में देख देख के ओके आज ये पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप चार पैटर्न की साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आया ना, तो मार्केट में सारा पैटर्न आप अभी भी बोलता हूं सब समझ जाओगे। राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम में क्या होता है, वो कप एंड हैंडल में राउंडिंग आ गया, रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे एक कप का हैंडल बना दिया। राउंडिंग पैटर्न में वैसा नहीं है, राउंडिंग में पूरा गोल फुल रिकवरी। आपको राउंडिंग पैटर्न में अभी निफ्टी में बना था, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है राउंडिंग पैटर्न, यहां से सेकंड, यहाँ पे दिख रहा है राउंडिंग पैटर्न, पूरा राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट देके ऊपर गया था मार्केट, दिख रहा है ये हो गया राउंडिंग पैटर्न पूरा अपना। ओके, रियल टाइम चार्ट में भी आपको राउंडिंग पैटर्न दिखा दिया था। अगला पैटर्न क्या है, डायमंड पैटर्न, डायमंड टॉप डायमंड बॉटम। अब ये लाइव मार्केट में आप लाइन लेके क्या पैटर्न बनाते रहोगे, ओके यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, यहाँ पे लाइन जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है,
यहाँ पे जा रहा है, ओके, या ऐसा डायमंड पैटर्न बन रहा है। साइकोलॉजी समझो, खाली यहाँ पे दिख रहा है मार्केट गया ऊपर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, क्या दिखा, एम दिखा, ब्रेकडाउन आ गया नीचे। यहाँ पे भी देखो, एक दो तीन चार, क्या दिखा, डब्ल्यू, ब्रेकआउट देके फिर ऊपर गया। तो हर पैटर्न में डब्ल्यू और एम और एन ढूंढने की कोशिश करेंगे अपन, थोड़ा देखते चार्ट पे। मैं बोला था ना ट्रायंगल पैटर्न, वो बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट एक जोन में फंस जाता है, जैसे ब्रेकडाउन दे दिया बड़ा टारगेट मिल गया। अभी उसमें अपन एम और एन ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहां पे मिलता है क्या नहीं। देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसमें मेरे को एम पैटर्न दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिखा देता हूं, एक दो तीन ब्रेकडाउन हो गया, एम पैटर्न दिख गया। देखो यहां पे भी डब्ल्यू भी बन रहा है, ऊपर से सेलिंग आ गई, एक दो तीन आ गया डब्ल्यू, यहाँ पे एम दिखाया, यहाँ पे डब्ल्यू दिखाया। आगे दिखाता हूं, चलो यहाँ जो वी पैटर्न की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए, आया मार्केट नीचे ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस था, एक पुल बैक लिया, एंट्री मिल गई मार्केट ऊपर। अभी यहाँ पे एम भी दिखा दिया, डब्ल्यू भी दिखा दिया, वी पैटर्न भी दिखा दिया, और इसमें एक पुल बैक आके एन पैटर्न भी दिखा दिया। और ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, मार्केट आया ऊपर से नीचे, गया मार्केट ऊपर, दिख रहा है, उसके बाद मार्केट कितने ऊपर गया। और ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एम पैटर्न बोल सकते हो, एम पैटर्न बोल सकते हो, और ढूंढते। देखो एक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में गया था, यहाँ पे मार्केट एक जोन में गया था, बोल रहा ना रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल पैटर्न है वो यहाँ ध्यान में रखना। मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में दिया, ब्रेकडाउन, टारगेट मिला कितना बड़ा। तो यही सब प्राइस एक्शन अपन आगे का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन कोर्स है इसमें पूरा सीखने वाले। कोर्स में अपन पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको आपको बता दिया पूरे डिटेल में, चार्ट पैटर्न भी आपको डिटेल में बता दिया। अगला वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन क्या है, वॉल्यूम क्या है, क्योंकि अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने आया तो वहां पे आपका 25% हो गया प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न पढ़ने आया वहां आपके आपका आपका 20% हो गया प्राइस एक्शन। यही कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन है, चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन अपना प्राइस एक्शन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी प्राइस एक्शन में आता है, क्योंकि यूट्यूब पे और जो भी कोर्स बना रहा है प्राइस एक्शन को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। ओके, प्राइस एक्शन ये है वो है, ये सिंपल है, जो इंडिकेटर यूज करते हो ना उससे भी सिंपल है प्राइस एक्शन को समझना है। अगर एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो कौन सा भी इंडिकेटर यूज नहीं करोगे आप ट्रेडिंग के लिए। आपको अगर ये चार्ट पैटर्न का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, क्योंकि अगला वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको दबाना जरूरी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।